Welcome in a part of lecture 8 and in today's lecture we will give the introduction about uh, freedom theorem and uh, we will find the resolvent kernel for freedom integral equation of second kind and uh, f of s is not equal to 0. In homogeneous case me how to find the one and only one solutions we will practice one question for this the basic theorem of general theory of integral equations were first presented by fredholm corresponding to basic theorem of linear algebraic systems in previous lecture 7th lecture a b and c part we studied the fredholm integral equation of this type gs is equal to f of s plus lambda a to b kst gtn tt there we find the unique solution and uh, to find the unique condition f of f of s first of all there is inhomogeneous so again, f of s not equal to zero and uh, we studied three questions and we find their unique solution the condition is to find the unique solution there d lambda should be not equal to zero okay now this study is done by freedom and uh, based on the linear algebraic system इनकमिंग लेक्चर्स जैसे फ्रीडोम अल्टरनेट थ्योरम है आपकी आपका सिस्टम कुछ ऐसे ही बना है अभी ए सी इज़ इक्वल टू एफ़ ये हमने एट्थ इक्वेशन लिखी थी लेक्चर सेवंथ के अंदर ठीक है ए क्या था ए का डिटमेंट जो था दैट इज़ माई डी लैमडा एंड अगर आपका ये नॉन होमोजीनियस केस है इन होमोजीनियस भी कह सकते हो आप तो एफ ऑफ फेस आपका जीरो नहीं है ठीक है ना इन दिस केस अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको लेना है तो वट इज़ द कंडीशन डी लैमडा शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो तो ये आपका राइट हैंड साइड वैसे ही जीरो नहीं था क्वेश्चन को, जब की ठीक है थेके? तो यूनिक युनि, सोल्यूशन की कंडीशन ये है तो आज हम क्या करने वाले हैं फिडोम बेसिक थ्योरम्स हैं आपकी जो कि अल्टरनेट थ्योरम्स में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में हम एज इज यूज़ करेंगे एंड वी अडोप्ट द थ्योरी फॉर दिस इज लीनियर एल्जिवरिक सिस्टम तभी इसको हम बेसिक थ्योरम्स भी बोल देते हैं ठीक है चलिए आज का लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं द इनहोमोजीनियस फ्रीडम इंटीगल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप इक्वेशन वन विद कंडीशन हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि दिस इज सेपरेबल वैसे सेपरेबल नहीं होगा तब भी कंडीशंस आएंगी वो आपका आ, जैसे सॉल्यूशंस हम निकालते हैं ना तो उसके लिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन मैथड से तो उसके लिए हमें एक कहीं से क्ल्यू मिलना चाहिए कि कन्वर्जेंस हो रहा है सॉल्यूशन तो वो कन्वर्जेंस क्ल्यू जो होगा वो इस कंडीशन से ही हमें मिलता होता है ठीक है तो यहाँ जब ये ये वाली थोरम्स हम लगा रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली कंसंट्रेट करते हैं कि हमारा कर्नल कैसा होना चाहिए सेपरेबल ठीक है इन टूडे लेक्चर अभी प्रैक्टिस करेंगे टू क्वेश्चन की जिसमें जस्ट हमने क्या करना है कि इनहोमोजीनियस केस है और उसके लिए मुझे ये रिजोलवेंट कर्नल फाइंड आउट करना है एंड यूनिक सॉल्यूशंस के लिए रिजोलवेंट कर्नल कैसे निकालेंगे और कैसे ये इन्वर्टिबल कंडीशंस बनेगी आज यही करेंगे एट्थ लेक्चर के अंदर एंड uh, बाद में हम इसका प्रूफ भी करेंगे एंड फॉर डूइंग द प्रूफ आई विल टेक द हेल्प ऑफ लेक्चर सेवन्थ ठीक है जब जहाँ तक हमने ए सी इक्वल टू एफ तक किया था इक्वेशन एट तक सेम करना है चाहे अल्टरनेट फर्स्ट थ्योरम हम करेंगे उसके भी पार्ट्स करेंगे होमोजीनियस या इन होमोजीनियस कंडीशंस लगाने हैं कुछ ठीक है तो देर आई नीड द सेवन्थ लेक्चर और सेवन्थ लेक्चर में कहाँ तक इक्वेशन एट तक सेम एज उसके बाद फिर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे ठीक है फिलहाल इक्वेशन वन इस फॉर्मेट की होगी कर्नल आपका सेपरेबल है और आपको इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन देखो यहाँ लिखा है मैंने वन एंड ओनली वन सॉल्यूशंस वन एंड ओनली वन का मतलब है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन है वो कंडीशन क्या सॉल्यूशन क्या है ये वाला है और डी डीलैमडा क्या होना चाहिए दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो अब हो सकता है डी डीलैमडा जीरो आ जाए तो फिर कंडीशन क्या बनेगी बेसिक थोरम्स हैं आपके इसके कई पार्ट हैं कि होमोजीनियस है तो आपके फिर आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी जैसे हम कर लेते हैं क्या सेकंड देखिए पहले डी लेमडा अगर इक्वल टू ज़ीरो है देखो नॉट इक्वल टू जीरो तब तो सॉल्यूशन ये वाला है ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है एट्थ थी तो ये नाइन्थ कर लेते हैं ठीक है सेवन्थ लेक्चर तक देखना वहाँ हमने एट्थ इक्वेशन तक लिखा था उसी का ये कंटिन्यूशन है प्रूफ वाला पार्ट तो अगर हमारा डी लेमडा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और इन होमोजीनियस केस है तो जनरल आपका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा ठीक है नाउ हो सकता है डी लेमडा क्या आ जाए जीरो आ जाए अगर डी लेमडा जीरो आता है और इन इनहोमोजीनियस केस है जनरली देर इज नो सोल्यूशन जनरली होता है हमेशा नहीं ठीक है तो अब हमें इसमें क्या कंडीशन करनी पड़ेगी अगर डी लेमडा इक्वल टू जीरो होता है अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसे छोड़ दो और यहाँ पे सिर्फ होमोजीनियस केस उठाओ ये क्वेश्चन हम करेंगे नाइन्थ लेक्चर के अंदर फिर हम टेंथ में अल्टरनेट थ्योरम के प्रूफ देंगे यूजिंग दीज रिजल्ट्स मैं रिकॉल करूँगी ये रिजल्ट्स ठीक है तो थोड़ा ध्यान से करना अच्छा डी लैमडा अगर इक्वल टू जीरो है तो जो इसके रूट्स आएंगे ठीक है अब डी लैमडा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है अगर ए सी इज़ इक्वल टू एफ लें तो ए तो आपकी क्रॉस एन मैट्रिक्स है रूल के अकॉर्डिंग आपकी एन आइगन वैल्यू होनी चाहिए बट वो रिपीटेड भी केस हो सकता है या फिर डीलैम डा इक्वल टू जीरो है तो कोई रो आपकी डिडेंडेंट है वो ख़त्म हो जाएगी तो यानी कि यहाँ से हमारी जो जब हम रूट्स निकालेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस कुछ कंडीशंस आएंगी आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ये हम करेंगे फ्यूचर में करना है आज नहीं करना हमें ठीक है तो होमोजीनियस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसमें आपके कुछ रूट्स आ जाते हैं उसके बाद हमें आज ये बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए हम इसके ट्रांसपोज इन होमोजीनियस फोम इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड लिखते हैं ठीक है ट्रांसपोज इक्वेशन लिखेंगे इसके कॉरसपोर्ट बस यहाँ पे चेंज आ जाएगा के टी एस हो जाएगा सभी जो ए आईज होंगे वो बी टी बन जाएंगे बी आईज़ ए टीज़ बनेंगी ठीक है वो करेंगे हम अभी आज नहीं करेंगे क्योंकि सारा मिक्स हो जाएगा बहुत लेंथ ही है सपोज करो आपने वो मान लिया कि इस ये इक्वेशन आपकी इनहोमोजीनियस केस है और इसमें क्या केस आ गया आपका डी लेमडा जीरो आ गया अब इसके सॉल्यूशंस लेने के लिए हो सकता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो वो सॉल्यूशन लेने के लिए आपने देखो सेवन्थ चैप्टर में ए सी एफ निकाला था ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या थी अगर आपको मेमोराइज हो दैट इज़ योर एफ वन एफ टू एफ ओ फैन था ठीक है तो ये F1, F2, F3 ये जो f F1 था वो कैसे मिला था आपको इंटीग्रेशन करके मिला था a टू b ठीक है ना आ, b i t और f of uh, t d of t अगर आपको मेमोराइज है इसकी कुछ कंडीशंस लगेंगी किसके ऊपर जो मेरे ट्रांसपोज्ड इक्वेशन होगी ना इन होमोजीनियस की उसके मुझे होमोजीनियस इक्वेशन उठाऊंगी मैं इसकी यानी कि एफ एस जब जीरो ले लिया जाएगा वो लेके उसमें से मुझे क्या मिलेंगे आई नीड देयर सी दिस वन ये होंगे मेरे आइगन फंक्शंस अगर ये आइगन फंक्शन किसके साथ ये जो मेरा एफ ओ फैस है ना जो आइगन फंक्शन एफ ओ फैस के साथ साई नोट ऑफ टी एस एस डी ओ फैस अगर ये जीरो होते हैं ना इन दैट केस आप कहेंगे कि आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो बड़ी कॉम्प्लीकेशन ही होती है इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं और ये हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे फ्यूचर में करना है आज जस्ट थोड़ा सा वैसे बता दिया कि क्वेश्चन करते हुए तो एफ एस की वैल्यू मुझे गिवन होगी और आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस क्या मैं निकाल सकती हूँ वो भी मैं क्वेश्चन में कर सकती हूँ सॉल्व क्योंकि गिवन नहीं है केसेस करने में टाइम लगता है ठीक है तो आज हम क्या करेंगे मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किसके इन इनहोमोजीनियस फ्रीडोम इंटीगल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप जो कि कर्नल कैसा लेगा सेपरेबल और इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा उसके लिए कंडीशन आएगी डी लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर नाइन जिसमें ये जो गामा एस टी है दिस इज़ माई रिजोलवेंट कर्नल ठीक है इन फ्यूचर हम करेंगे इसे ये प्रूफ ये मेरी थ्योरम का प्रूफ होगा वो ला नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो इन टूडे दिस वन गिवन एंड आई विल फाइंड दिस वन सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन एंड फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन आल्सो फाइंड द रिजोलमेंट करना देखिए इस क्वेश्चन में हम ये केस नहीं करेंगे कि डी लेम्ड अगर इक्वल टू तो जीरो हुआ तो आइगन फ़ंक्शंस कैसे करने ओनली आई विल फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड द रिजोल्वेंट कर्नल यानी कि सिर्फ बेसिक थ्योरम का एक पार्ट करना है ठीक है केस बन सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि डीलैम्डा अगर जीरो हो जाए तो एफ एस पे कंडीशन क्या होगी वो हमने हल्का सा कर लिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज इन होमोजीनियस सिक्युएशन के होमोजीनियस सिस्टम के आइगन फंक्शंस निकाल लेंगे और वो अगर एफ एस के साथ ऑर्थोगनल हैं तो इसका सोल्यूशन होगा वो हम कमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं फिलहाल आइडेंटिफाई द योर कर्नल योर कर्नल विल बी दिस वन यू कैन राइट दिस कर्नल इन द फॉर्म एज इन योर सेवन्थ लेक्चर ठीक है ए वन एस जो फर्स्ट है वो एस है बी वन टी क्या है वन है ए टू एस इसके साथ क्या है वन है और बी टू टी क्या है दैट इज योर टी अगेन आई विल कन्वर्ट

now this value is your c2 and this is your c1 सी वन जैसे आपने सेवन्थ लेक्चर भी किया था तो वहाँ सी आईज़ डिफाइन किए थे सी आई इज नथिंग बट ए टू बी अगर आप वहाँ नोटेशन दिखें तो दैट इज इक्वल टू बी आई ओफ टी एंड जी ओफ टी डी टी अगर आपका रिजोलमेंट कर्नल है तो प्रूफ करते हुए हमने ये यूज़ किया था ठीक है आप C1 C2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिज वैल्यूज़ अदरवाइज आज इनका कोई यूज़ नहीं है इक्वेशन टू का कोई यूज़ नहीं है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इट्स योर चॉइस ओके सपोज आपने ये लिया तो यू विल राइट दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू C1। तो दिस जी एस एस डीज़ एफ एस कि एफ एस प्लस लैमडा दिस एस एस यूज़ हेयर सी वन प्लस लैमडा एंड यूज हेयर सी टू ठीक है अभी तक सेवन्थ लेक्चर में मैंने फोर क्वेश्चन सॉल्व किए ठीक है इन दोज क्वेश्चन एफ एस वॉज गिवन थे तो एफ एस अगर आपको गिवन था तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैप राइट हैंड साइड एफ बट इन टूडे लेक्चर दिस एफ ऑफ एस इज नॉट गिवन टू अस ठीक है तो ये केसेस जनरेट होंगे यहाँ पर आपके ठीक है बस यही फ़र्क है आज के क्वेश्चन में और जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अब ये थ्री है तो आई रोट यर थ्री ए एंड दिस इज माई थ्री बी एज यू डन इन योर सेवंथ लेक्चर बस डिफरेंस है कि यहाँ पे एफ एस नॉट गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन दिस वैल्यू वॉज गिवन ब यही डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन सेम चलेगा आपका चलिए करते हैं स्टार्ट सी वन इज़ इक्वल टू अगेन जहाँ जहाँ ऐसा है देर यू विल पुट टी So it gives me ft plus lambda t c1 plus lambda c2. Use this value here. gt value. I wrote the expression of gt here. Now this is the integration with respect to t. So ft as t is 0 to 1 ft dt. And lambda t c1 to lambda c1 here. t ka integration t square by 2 plus lambda c2 as t is here is 1. And integration of 1 with respect to t is t. Limit 0 to. वन नाउ पुट दीज लिमिट्स तो वैन यू सिम्प्लीफाई दिस इट गिव्ज यू लैमडा यू कैन राइट बाई टू एंड सी वन हेयर एंड हेयर इज़ लैमडा सी टू एंड यू कॉन्ट इंटिगेट दिस बिकॉज एफ टी इज़ नॉट गिवन टू हेयर सो यू विल राइट जीरो टू वन एफ ओफ टी एंड डी ओफ टी एक्चुअली हेयर माई बी वन इज़ वन एंड आई थिंक आपको मेमोराइज होगा सेवंथ लेक्चर में ही हमने किया था दिस इज़ माई नोटेशन इज एफ वन एफ तो वन क्या था बी वन एफ ओफ टी डी टी ठीक है चलो कोई नहीं अब सिमिलरली सी टू की वैल्यू क्या है टी जी टी जी टी की वैल्यू फिर ये आपकी है कि एफ ओफ टी प्लस लेमडा टी सी वन प्लस लैमडा सी टू तो पुट इट हियर मल्टीप्लाई बाय टी तो वन आई मल्टीप्लाई दिस वन तो सी टू सी टू इक्वल टू जीरो टू वन ठीक है दिस इज टी एफ टी प्लस लैमडा इट गिव्स टी स्क्वायर एंड इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यू बाई थ्री this plus this plus this is lambda c2 and t is outside so you will you are going to integrate this one so lambda c2 t square by 2 now put the limit so here you will obtain c this is 0 to 1 t and d of t plus here you are putting the upper limit first so it is lambda by 3 and here is c1 and this is lambda by 2 and here is c2

इन सेवंथ लेक्चर जब हमने एलजेब्रिक मेथड किया था ठीक है तो नोटेशन वही चलाएंगे ताकि हमें जब हम अल्टरनेट थ्योरम के प्रूफ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए ओके okay. अब इस इस सिस्टम को अगर यूनिक सॉल्यूशन मुझे चाहिए तो मुझे क्या चाहिए जस्ट सी वन एंड सी टू ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द एफ वन एंड एफ टू अब क्योंकि एफ ओफ टी इज़ नॉट गिवन टू मी इन दिस क्वेश्चन सो दिस इज विद रिलेट करेंगे एल्जेब्रिक सिस्टम से ए सी इज इक्वल टू एफ नाउ इफ़ डिटर्मेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी जो हमने नोटेशन क्या यूज़ किया है इसके लिए डी लेमडा और डी लेमडा हमारा क्या है दिस इज़ नथिंग बट वन माइनस लेमडा बाई टू माइनस लैमडा माइनस लेमडा बाई थ्री वन माइनस लेमडा बाई टू इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो, तो हम गामा ऑफ एस टी लेमडा जैसे हमने इक्वेशन नंबर नाइन में लिखा हुआ है ठीक है दैट इज गिवन बाय डी एस टी और लैमडा बाय डी ऑफ लैमडा है ना कंडीशन यही है तो ये तो यूनिक सोल्यूशंस के लिए होगा अब हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया हमने आइगन वैल्यूज़ भी डाल दी तो अगर डी लेमडा इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए इज़ माई टू क्रोस टू मैट्रिक्स ए इज़ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स तो एट आपको टू आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे तो जो रूट्स आएंगे ना इस इक्वेशन के रूट्स ऑफ डी लैमडा इक्वल टू जीरो तो जो वैल्यूज़ आएंगी लैमडा इज इक्वल टू लैमडा नॉट लैमडा वन एनी थिंग मे बी रिपीटेड हो तो मल्टीप्लीसिटी देखनी पड़ेगी तो रूट्स ऑफ दिस वन जो आएंगे दीज वैल्यूज ऑफ लैमडा आर नोन एज द आइगन वैल्यूज़ तो आपसे एक तो ये वैल्यूज़ पूछी गई हैं आइगन वैल्यूज़ और एक ये पूछा गया है कि गामा ये गामा एस टी लैमडा रिजोलेंट कर्नल क्या होगा ठीक है तो एज़ आई ऑबटेन द डी लेमडा इज दिस मन दिस डिटर्मेंट वैल्यू इज डी लेमडा तो फर्स्ट मैं अब कर रही हूँ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज़ क्योंकि सिर्फ आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं आज हम आइगन फंक्शंस नहीं निकालेंगे वो हमें होमोजीनियस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और वो हम एट्थ लेक्चर के अंदर करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग एट्थ लेक्चर सेवन्थ लेक्चर सॉरी नाइन्थ लेक्चर में करेंगे टेंथ लेक्चर में हम आल्टरनेटिव थॉरम के प्रूफ करेंगे सभी ठीक है तो टू फाइंड आइगन वैल्यूज तो डिटर्मेंट को सॉल्व करो और इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो डिटर्मेंट क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस आइन के साथ दिस इंटू दिस तो करिए सिंप्लीफाई ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट डी लेमडा दिस इंटू दिस दिस प्लस दिस एंड वन प्लस लैमडा स्क्वायर ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है तो हेयर टेक द एल्सिम ट्वेल्व तो दिस इज ट्वेल्व एंड लेमडा स्केर बाय फोर लैमडा स्केय बाय थ्री तो ये आपका आंसर दे देगा माइनस का लेमडा स्क्यू एंड प्लस का तो ये माइनस ट्वेल्व लैमडा माइनस ऑफ लैमडा स्के दिस इज बाय ट्वेल्व तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी लेमडा एंड इक्वल टू क्या हो गया दिस इज ज़ीरो तो अब आपने क्या करना इससे मल्टीप्लाई और ये फिर क्वालिटी का आपको टू वैल्यूज़ ऑफ लेमडा देगा सो दिस इक्वेशन ठीक है ये आपका कौन है ये आपका डी लेमडा है ठीक है अब ये डी लेमडा हमें आइगन वैल्यू चाहिए तो इक्वल टू तो हम जीरो कर देंगे तो दिस डी लेमडा आई रोट इट हेयर बिकॉज आई नीड दिस वन टू फाइंड द वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन तो डी लेमडा इक्वल टू ज़ीरो तो, तो लैमडास टू है तो क्वालिटी की बनेगी फाइंड दीज टू वैल्यूज कैसे करते हैं लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट तो ऑफ बी स्क्योर ट्वेल्थ ट्वेल्थ या वन फोर्टी फोर Minus 4 AC A is your 1 and C is your minus k 12. So 12 4 48 unko add karuge simplify you will obtain the two values of eigenvalues. Two values of lambda, those are known as eigenvalues. So the first eigenvalues is what? That is minus 6 plus 4 under root of 3. And the second one is uh, this is minus 6. You can say this is lambda 1 and this is lambda 2. So here is lambda 1, lambda 2. तो दिस इज़ माइनस सिक्स फोर अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक है तो दीज आर द टू आइगन वैल्यूज अब जो मैंने आज की थोरम में नोट करके थर्ड पार्ट में लिखा वो क्या लिखा कि जनरली सॉल्यूशन नहीं होता ठीक है बट कंडीशन है एफ एस पे क्योंकि एफ टी इज़ नॉट गिवन हेयर सो जब लैमडा इक्वल टू ज़ीरो है डी लेमडा इक्वल टू जीरो तो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन जो आप अप, अपनी इक्वेशन है जिसमें एफ एस इज़ नॉट मैंशन वो आइदर हैज़ नो सॉल्यूशंस और मैनी सॉल्यूशंस, डिपेंडिंग अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो ट्रांसपोज इन होमोजीनियस इक्वेशंस बनेंगी और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस के कितने आइगन फंक्शंस होंगे और क्या आइगन फंक्शन एफ एस के साथ जीरो ऑर्थोगनल होंगे अगर हैं तो सॉल्यूशन होगा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये काम हम करेंगे लेक्चर नाइन के अंदर ठीक है तो वहाँ हम एक सभी केसेस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट आल्सो ठीक है अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन फॉर वन एंड ओनली वन सॉल्यूशंस ऑफ योर इक्वेशन वन यानी यूनिक सोल्यूशन डीलैमडा नॉट इक्वल टू जीरो अगर डीलैमडा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यू वर सोल्यूशन इज गिवन बाई इक्वेशन नंबर दिस वन ये जो आपकी थ्री है तो इसमें हमें कौन रिक्वायर्ड है आई नीड हेयर सी वन एंड सी टू अब इससे पहले इस लेक्चर से पहले आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें एफ एस गिवन था तो सी वन एंड सी टू की आपकी वैल्यूज आ गई थी इन टर्म ऑफ कंडीशन ऑन लैमडा ठीक है आज भी हम वही काम करने वाले हैं सी वन एंड सी टू फाइंड आउट करूँगे बट वो कंडीशन आपकी किस फॉर्म में आएंगी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एफ टी और जब आप वो यहाँ पुट करेंगे तो इनमें से वो इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा इंटिगेशन में आपका एफ टी बन जाएगा ठीक है जैसे हमें थ्योरम में करके दिखाना है ये वाला देखो सॉल्यूशन यही देना ना ये रहा और एफ ऑफ टी तो अभी ये सी वन और ये सी टू फाइंड आउट करो फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दो पुट करके इक्वेशन नाइन कंस्ट्रक्ट करनी है तो जो एफ टी का कॉफिशेंट होगा दैट इज़ लैम्डा आउटसाइड लेना और यहाँ प्लस का साइन ही होना चाहिए माइनस नहीं मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं माइनस का साइन बन जाता है तो टेक द लैमडा एंड द कॉफिशंट ऑफ एफ टी इज नोन एज यूअर गाम ऑफ एस टी लैमडा विच इज रिक्वायर्ड इन आवर टू डे क्वेश्चन ठीक है अब हमें तो फिर वही डी लैमडा इक्वल टू नहीं है तो डेल्टा क्या होगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ डी लैमडा एंड वट इज दिस डेल्टा दिस इज ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व लैमडा माइनस लैमडा स्क्वेयर बाई ट्वेल्व एज आई टोल्ड यू हेयर दिस इज वैल्यू ठीक है अब आपको क्या चाहिए क्रैमर रूल लगाने के लिए सी वन की वैल्यू क्या होगी डेल्टा वन हाउ टू फाइंड द डेल्टा वन डेल्टा वन इज़ आल्सो ए डिटर्मिनेट अब आप एक काम कीजिए अपनी मैट्रिक्स ए पर जाइए दिस इज माई ए मैट्रिक्स ठीक है ना अब इसको डिटर्मिट फॉर्म में लिखना है और जो फर्स्ट कॉलम है दैट शुड बी रिप्लेस बाय एफ वन एंड एफ टू तो व्हाट आई ऑबटेन हियर योर सेकंड रिमेंस द सेम तो सेकंड क्या था माइनस लेमडा बाई वन माइनस लैमडा बाई टू तो फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाई एफ वन एंड एफ टू अब इसे सिंप्लीफाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई ठीक है माइनस साइन के साथ ये तो ये आप कर देंगे देन डेल्टा टू डेल्टा टू क्या होगा फर्स्ट कॉलम ऑफ डी लेमडा रिमेन्स द सेम यानी कि वन माइनस लैमडा बाई टू एंड दिस इज माइनस लैमडा बाई थ्री एंड दिस इज एफ वन बाई एफ टू अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो सो आई Try to solve this one and uh, c1 is delta 1 by delta. So delta 1 is this one. So I put it above and uh, delta is this expression. So ye diya, here is my condition ki d lambda is not equal to 0. So on simplification, I obtain this one. So here you can say ki lower term is not equal to 0. If you want to take minus from here, so you can write this is equal to minus 12 f1. This becomes 6 lambda f1 and this is minus 12 f2. And if I am taking minus here, minus here, so this is lambda square and uh, this is uh, plus uh, 12 lambda and it is minus this. The condition here is lambda square plus 12 lambda minus 12 should be not equal to 0. This is my C1. Similarly, if you obtain uh, expand this one.

थर्थ इस इक्वेशन को फोर्थ कर लीजिए आप है ना फोर्थ एंड दिस इज योर ये जो आइगन वैल्यूज निकाली थी इसको आप कह दीजिए दिस इज माई सिक्स एक्सप्रेशन एंड दिस इज सेवन इक्वेशन सो यू विल राइट दिस इज एट इक्वेशन एंड इन दिस क्वेश्चन दिस इज माई नाइन और नाइन तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो एट ए एट बी कर लीजिए इसे एंड पुट सी वन एंड सी टू नाउ इन इक्वेशन नंबर थर्ड ठीक है करो पुट इसे तो आई पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ सी वन एंड सी टू इन इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है अब देखिए यहाँ तक जो क्वेश्चन हमने किया ना इस इक्वेशन तक ये आपके लिख दीजिए स्टार इक्वेशन कर लीजिए एंड इक्वेश लेक्चर सेवन के ए बी 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 एंड सी पार्ट यहाँ तक हमारा होमवर्क सेम है ठीक है अब चेंजेस हम करने वाले हैं टू फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल जो जिन क्वेश्चन में आपको एफ टी गिवन होगा ना उन क्वेश्चन में भी आप रिजोलमेंट करने निकालते हुए यहाँ चेंज करेंगे क्या चेंज करने वाले हैं देखिए ये तो आपका एस्टेज रहेगा एंड आई यूज द इक्वेशन फोर के जस्ट अबो देखो ये वाली जो इक्वेशन है ठीक है तो इसको थ्री ए थ्री बी ये भी हमने नोटेशन शायद दे दी थी ठीक है आप इसको फोर ए फोर बी कर लीजिए वैसे उनको नंबरिंग वैसे होनी चाहिए थी ठीक है तो ये मेरा एफ वन है और ये मेरा एफ टू है तो है क्या ये जीरो टू वन एफ टी डी टी एफ टू कौन है जीरो टू वन टी एफ टी डी टी ये वैल्यूज़ आप यहाँ यूज़ करेंगे ठीक है अब ये क्योंकि जी एस है तो एफ वन यहाँ किसका फंक्शन है एस का आप इसे पहले चेंज करेंगे ठीक है एफ वन इक्वल है आपका दैट इज़ इक्वल टू जीरो टू वन एफ ऑफ़ टी डी टी ठीक है क्योंकि लिमिट ज़ीरो टू वन है ना तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी तो एलिमिनेट ही हो जाएगा तो चेंज नहीं करना ये एफ वन फंक्शन ऑफ टी ही है मतलब कॉन्स्टेंट है वैसे तो और अंदर जो एफ टी जाएगा वो टी का फंक्शन जाएगा ठीक है जीरो टू वन टी ऑफ एफ टी एंड डी टी तो इन प्लेस ऑफ एफ वन एफ वन एफ टू एफ टू एफ वन एफ टू ठीक है यू विल पुट दीज एक्सप्रेशंस तो यहाँ पर भी लिमिट जीरो टू वन 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 कॉमन ले लेंगे ये तो आपका कोई ना कोई कॉन्सटेंट वैल्यू है जो कि नॉट इक्वल टू क्या है जीरो है तो यूज़ दिस ये तो आपका बन जाएगा एफ ऑफ एस दिस इज़ लैमडा ऑफ एस लैमडा एस तो एस यहाँ है यहाँ लैमडा है तो यू कैन टेक ओनली दिस वैल्यू कॉमन एंड डिवाइड बाई लैमडा स्क्वायर दिस वैल्यू तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा देखो सपोज इसका एग्जाम्पल आप ले लो ये आप क्या करोगे ज़ीरो टू वन पुट करोगे तो एफ़ वन की जगह क्या पुट किया आपने एफ़ टी और यहाँ देखिए यह माइनस ट्वेल्व है और ये एस इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आपको क्या देगा माइनस ट्वेल्व एस एंड एफ टी ठीक है एफ टी की जगह आप सिंपल एफ भी लिख सकते हो देन लैमडा इज हेयर ठीक है एंड प्लस सिक्स लैमडा तो आप इसको लैमडा सिक्स एफ़ वन है ये एक्सप्रेशन आपका सिक्स और ये आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो भी कर रहे हो तो सिक्स एस और एफ ओफ टी जस्ट इसमें और इसमें क्या है इसमें लेमडा आएगा उसमें लेमडा नहीं होगा ठीक है देन माइनस का ट्वेल्व एफ टू एफ टू का मतलब है टी एफ टी और यहाँ आप एस से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी कि एस एंड टी एंड एफ ओफ टी एंड लोअर टर्म कितनी है आपकी दिस इज़ लेमडा स्केयर प्लस ट्वेल्व लैमडा माइनस ट्वेल्व ये तो फर्स्ट की टर्म की वजह से फिर ये लैमडा आपने आउटसाइड ले लिया ये आपका माइनस ट्वेल्व है तो आप इसी का कंटिन्यू करना चाहें एलसीएम में ले जाएं या फिर एक नई टर्म ही कर देते हैं आप प्लस करते हैं एंड आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली एंड देन आई विल टेक द कंबिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स एंड द आउटसाइड दोनों के बाहर क्या है आपका दैट इज माई डी ऑफ टी तो हेअर माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व तो दिस वन एफ टू एफ टू का मतलब टी एफ टी ठीक है देन माइनस के लैमडा ये आपका आएगा दिस इज फोर तो फोर आ जाएगा एफ वन का मतलब ओनली एफ ओफ्टी दिस माइनस एंड दिस माइनस इज प्लस दिस इज सिक्स लैमडा एंड एफ टू का मतलब टी ऑफ एफ ओफ टी तो आई पुट द वैल्यूज हेयर एंड इसका पूरी यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ट्वेल्व एस प्लस सिक्स लैमडा एस आई एम टेकिंग एफ टी आउटसाइड ठीक है तो ये ऑप्टेन हुआ मुझे आप सिंपलीफाई करना हो जाएगा ठीक है अब मैंने जब सिंपलीफाई किया आई ऑप्टेंड अ मिस्टेक है देखो ट्वेल्व एस टी है बट यहाँ पे मेरा लैमडा आना चाहिए तो यानी कि ये टर्म मुझे कहाँ से मिली ऑप्टेंड हेयर यानी यहाँ से मिली तो यहाँ मैंने एक मिस्टेक की हुई है कैसे ये जो C1 की वैल्यू निकाली ना तो यहाँ लैमडा एफ़ टू है और मैंने यहाँ पे क्या लिखा जस्ट एल्शियम लेके टू दिस वन तो यहाँ लैमडा इंट्रोड्यूस करो तो एक लैमडा यहाँ आएगा तो ये लैमडा आपका यहाँ होगा ठीक है इस लैमडा को फिर आप C1 में पुट करोगे तो योर आंसर हेयर विल बी लैमडा अगर यहाँ लैमडा आएगा तो आपका यहाँ पे लेमडा इंट्रोड्यूस हो जाएगा ये लैमडा यहाँ आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लैमडा आ जाएगा ठीक है अब मैंने क्या किया सिक्स एस लैमडा एस सिक्स लैमडा टी इसको कंबाइन कर दिया माइनस ट्वेल्व एस और ट्वेल्व टी माइनस कॉमन कर दिया ये टर्म मैंने एस ट्रीज रख दी अब यहाँ क्या मिला मुझे माइनस के फोर लैमडा ठीक है और लोअर टर्म में मुझे क्या मिलेगा लैमडा स्क्यर प्लस का ट्वेल्व लैमडा माइनस ट्वेल्व और आउटसाइड मेरा क्या है एफ टी डी टी ठीक है अब लास्ट टर्म मुझे गामा एस टी देने हैं तो यू कैन जस्ट राइट हेयर एफ ऑफ एस प्लस लैमडा ज़ीरो टू वन इन प्लेस ऑफ दिस वन आई एम राइटिंग गामा ऑफ एस टी एंड लैमडा एफ ऑफ़ टी डी टी एंड आई एम राइटिंग हेयर दिस रिजोल्वेंट कर्नल फॉर माय प्रॉब्लम दिस इज़ देखिए यहाँ पे एस प्लस टी एस प्लस टी है तो आप इसे एस प्लस टी को कॉमन कर सकते हैं है ना और यहाँ क्या आएगा सिक्स लैमडा माइनस के ट्वेल्व और हेयर आपने लेमडा इंट्रोड्यूस कर ही लिया तो माइनस ट्वेल्व लैमडा एस टी एंड दिस इज माइनस फोर लैमडा एंड लोअर में टर्म में दिस वन लैमडा स्क्यर प्लस ट्वेल लेमडा माइनस ट्वेल्व एंड दिस इज कंडीशन कि दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये ज़रूर मैंशन करना है आपने क्योंकि ये आइगन वैल्यू के लिए तो लैमडा की वैल्यू जब ये रूट्स वैल्यू नहीं होंगी दैन दिस सिस्टम ये फ्रीडोम इंटिंग एलुकेशन सेकेंड काइंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन आई होप ये आपको क्लियर होगा ठीक है एंड इसके हम दो क्वेश्चन और करेंगे तो वो हम बी पार्ट में करेंगे और सी पार्ट में हम इसका प्रूफ करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग